तो दोस्तों, क्या आपके भी फोन के इंटरनेट का डाटा बहुत जल्दी खत्म होता है? जो आपको पर डे का 1 GB 1.5 GB डाटा मिलता है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे यूज करने के बाद आप अपने मोबाइल के डाटा को सेव करके रख सकते हो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो यूट्यूब ज्यादा देखते होंगे, यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह देखते रहते हैं, आपको भी पता है। तो वहां से भी आपको कुछ सेटिंग कर देना है जिससे आप अपने डाटा को सेव कर सकते हो। प्लस प्ले स्टोर में कुछ ऐसी सेटिंग होती हैं जहां से भी आप डाटा सेव कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपके बच्चे हैं कोई भी गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं, खेलते हैं, डिलीट कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, जिसके वजह से आपका इंटरनेट ज्यादा यूज होता है। तो आपको वहां से भी कुछ सेटिंग कर देना है जिससे आप इंटरनेट को सेव करके रख सकते हो। तो अगर आप भी अपने इंटरनेट डाटा को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले इस वीडियो को देखना होगा ताकि आप भी अपने डाटा को बचाकर रख सको। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको डेली हमारे इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो अब पहले सेटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो आपके भी फोन में होंगे, आपके छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं, या स्टडी के भी कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो हमें डाउनलोड करके रखने पड़ते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करते हो, यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल है वो ओपन हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है प्रोफाइल पे। जैसे ही आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको ऊपर ही मैनेज ऐप एंड डिवाइस इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपडेट अवेलेबल, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जितने भी आपके फोन में एप्लीकेशन के अपडेट आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपके फोन के अंदर एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन के अपडेट आए हुए हैं। अगर आप गलती से अपडेट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 101 MB, यहाँ पे 11 MB, 11 MB और यहाँ पे 11 MB, ऐसे ही कितने सारे एप्लीकेशन के अपडेट आए हुए हैं। अगर आप सब एप्लीकेशन को अपडेट करोगे तो सोचो आपका कितना MB, यहाँ पे लगभग आधा तो GB आपका यहीं पे यूज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से ऑल अपडेट जो है यहाँ पे आपको ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। इसे कैसे ऑन करोगे, ये कैसे यहाँ पे मतलब कंप्लीट होते रहता है, तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली यहाँ से बैक करना है। 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेटवर्क प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑटो अपडेट ऐप वाला जो ऑप्शन है ना, इसे यहाँ से डोंट ऑटो अपडेट पे कर देना है। जैसे ही आप इसे कर दोगे, उसके बाद जैसे वहाँ पे कितने सारे लगभग 35 एप्लीकेशन वहाँ पे कलेक्ट हो चुके थे, तो ऐसे ही वहाँ पे हो जाएंगे। फिर उसमें से जो एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे आप अपडेट कर दो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसे अपडेट मत करिए। इससे आप अपने फोन के डाटा को ज्यादा से ज्यादा सेव करके रख सकते हो। तो ये तो हमारे पहले नंबर की सेटिंग थी जिससे आप इंटरनेट को बचा सकते हो। अब दूसरे नंबर की सेटिंग के बारे में भी बता देता हूं। जो दूसरे नंबर का सेटिंग है उसे यूज करने के लिए आप सभी लोगों को अपने YouTube को ओपन करना है। जैसे ही आप YouTube को ओपन कर लेते हो, यहाँ पे आपको 3 डॉट अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर ही एक ऑप्शन मिलता है डाटा सेविंग वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप देखे तो पहले से ही डाटा सेविंग मोड को ऑन कर रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको इस वाली सेटिंग को ऑन कर देना है। जैसे ही आप एक सेटिंग को ऑन करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 5 सेटिंग ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ से ऑन हो जाते हैं। तो नीचे का आप ये 2 जो सेटिंग है इसे आप ऑफ कर सकते हो, बाकी ये 3 सेटिंग को ऐसे ही रहने देना है। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, जब भी आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं वो यूट्यूब ही ज्यादा देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कार्टून वगैरह उनको वीडियो शॉर्ट्स वीडियो उनको पसंद आता है तो वो देखते रहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रिड्यूस डाउनलोड क्वालिटी, अगर गलती से डाउनलोड कर देते हैं तो यहाँ पे क्वालिटी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। अब वो वीडियो जब देखेंगे ना उसमें भी क्वालिटी को ना रिड्यूस करके आपके MB को सेव करेगा, यानी कि आपके डाटा को बचा के रखेगा। तो ये सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके घर में ज्यादा यूट्यूब चलता है तो इस सेटिंग को भी आप करके अपने इंटरनेट को ज्यादा टाइम तक चला सकते हो। एंड जो नेक्स्ट सेटिंग है वो भी आपको यूट्यूब के अंदर ही मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी एंड प्रेफरेंस वाला जो ऑप्शन है
है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डाटा सेवर का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले इस सेटिंग पे अगर आप क्लिक करके रखते हो तो जो भी आपके फोन के अंदर वीडियो वगैरह प्ले होगा वो यहाँ पे आपके डाटा को सेव करके प्ले करेगा। तो ये भी सेटिंग आप अपने फोन के अंदर ऑन करके रख सकते हो, इससे भी आप अपने मोबाइल के डाटा को काफी अच्छे से सेव करके रख सकते हो। अब जो अगला सेटिंग है वो आपको फेसबुक के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आपका टाइम पास नहीं होता है तो आप क्या करते हो, फेसबुक चलाते रहते हो। तो यहाँ पे आपको फेसबुक को ओपन करना है, थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप सभी लोगों को नीचे आना है और यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते उसके बाद आप सभी लोगों को नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मीडिया करके, मीडिया वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डाटा सेवर, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देते हो तो आप 40% लेस डाटा यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिड्यूस वीडियो क्वालिटी, यानी कि अगर आप फेसबुक पे वीडियोस वगैरह देखते हो ना तो वहाँ पे आपको 40% डाटा को लेस कर दिया जाएगा। जो आपका 40% डाटा होगा वो आप सेव कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 60% डाटा ही यूज किया जाएगा, 100% में से 14% जो है यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। तो इस सेटिंग को ऑन करने से आप अगर ज्यादा फेसबुक यूज करते हो ना तो ये सेटिंग आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप अपने मोबाइल के इंटरनेट डाटा को सेव करके रख सकते हो। अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से जो वीडियोस होती है वो वीडियोस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको भी वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से भी आप वीडियोस वगैरह देखते रहोगे। तो यहाँ से जो वीडियोस होती है उसकी जो क्वालिटी वगैरह होगी ना वो यहाँ पे रिड्यूस करके आपके डाटा को ज्यादा से ज्यादा सेव करने वाला है। यही नॉर्मल सेटिंग है जिसे यूज करके आप अपने मोबाइल के इंटरनेट डाटा को ज्यादा से ज्यादा सेव करके आप यूज कर सकते हो। अगर आप सभी लोगों को यह सेटिंग पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।